चल धक्का लगा। अरे मेहनत क्यों नहीं करता? अरे कुछ खाया नहीं क्या? अरे इसलिए मेरे को काम पर नहीं लगता, लगा देते हो। सत्यनाथ, जितने पैसे मिलने थे उससे ज्यादा भी नुकसान हो गया। बेटा फंस गए आज तो, इस मनुष्य का सुबह से मुंह देखा था। अरे तू दूर तक कोई आदमी भी दिखाई नहीं देता, जब कम से कम मेरी मदद कर दे। बीच सड़क में फंसी ठेला गाड़ी को सड़क के किनारे पे कर दे। अरे चल जल्दी, करना यार। आज तकदीर खराब है, नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। इसी भी बदबू बन गया साहब। एक बस ने मैं बुरी तरह से कुचल दिया है, मेरा साथी मर गया और मैं बुरी तरह से घायल हो गया साहब। बस ने कहां पर? साहब कालिंदी रोड पर। कालिंदी रोड पर? अच्छा ये बस है कैसी? साहब एक गुलाबी रंग की बस है और उसके ऊपर हैप्पी ट्रैवल्स लिखा है साहब। गुलाबी रंग की बस और उसके ऊपर हैप्पी ट्रैवल्स लिखा है, ठीक है हम लोग आते हैं। थैंक यू अभिजीत। यस सर। कालिंदी रोड पर एक गुलाबी रंग की बस जिस पर हैप्पी ट्रैवल्स लिखा है बड़ी तेजी से भाग रही है। उसने अब तक एक आदमी की जान ली है और एक को घायल किया है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाकर के उन लोगों को हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो और सचिन से कहो कि इस बस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाले और दया कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो। यस सर। लगता है ये बस काफी आगे निकल चुकी है। हाँ मगर गया तो इसी रास्ते से ही ना, जाएगा तो जाएगा कितनी दूर, कोई ना कोई तो देख ही लेगा उसे। सर कंट्रोल रूम ने शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सब पुलिस स्टेशन को खबर कर दी है। वेरी गुड सर। आगे पुलिस चेक पोस्ट है, उन्होंने जरूर देखा होगा उस पर। जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। यस सर। ठीक हो? आ जाइए आ जाइए आ जाइए। क्या हुआ? वही बस गई यहाँ से? हाँ सर, ये बस यहीं से गई है सर। पूरा चेक नाका तोड़ दिया सर, ये सारे ड्रम्स हवा में उड़ा दिया सर। हम लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की सर, लेकिन नहीं रोक पाए सर। देखो घबरा मत, अभी एम्बुलेंस आ जाएगी। तुम लोगों ने बहुत बहादुरी का काम किया है। थैंक यू सर। कितनी देर हुई बस को ऐसे गिर रहे? अभी अभी गई है सर। तुमने उसके टायर पे गोली नहीं चलाई? मैंने गोली चलाने की कोशिश की सर, लेकिन वो तूफान के जैसा निकल गया सर, मैं कुछ नहीं कर पाया सर। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मिल जाएगी। हम इस प्रकार से हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। अरे मुझे तो लगता है नशे में है, जरूर शराब पी के बैठा होगा। कोई नशे में नहीं है, जाओ चुपचाप बैठो सीट पे। अरे मेरे को तो लगता है इसका दिमाग खराब हो गया, हमें इस ड्राइवर को सबक सिखाना होगा, हमें जरूर इसके मालिक से इसकी शिकायत करनी चाहिए। क्या बोलते हम लोग? और कोई करे या ना करे, लेकिन मैं इसकी शिकायत जरूर करूंगी। अरे हमें यहाँ पे घुमाने के लिए बुलाया है, ना कि एक्सीडेंट दिखाने के लिए। एक के बाद एक लोगों की जान लिए जा रहा है ये, और ऊपर से इसके दादा के लिए देखो। स्टॉप, दादा जबान मत चला, जा अपने सीट पे बैठ। और ड्राइवर जबान चलाया जा रहा है, ए, अपात के सपोर्ट, जबान संभाल के बात कर, ये बस रुकने वाली नहीं है। अच्छा दादा होशियारी मत दिखा, जब तक ये बस चल रही है तुम लोग जिंदा हो, जैसी बस रुकी तुम लोग भी नहीं रहोगे। अरे मतलब क्या है तुम्हारा? बस में बम है। क्या?
जैसे ही बस रुकेगी बम फट जाएगा, इसलिए बस चलने दो जब तक चलती है, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। निकालूं चाबी? निकालूं? अरे नहीं नहीं, निकालूं चाबी? बंद करूं? चलो अंदर बैठो। बस पे बम है, अब क्या करें? इसमें बम है। वो देखो बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हाथगाड़ी वाले ने बताया था। हाँ सर, बस तो वही है। बस के बराबर ले लो, देखते हैं पैसेंजर ठीक ठाक है कि नहीं। ठीक है सर। और सर, बस के ड्राइवर को भी रोकने के लिए बोलते हैं। ये लोग हैं कौन? शायद हमारी कोई मदद करने आए हो। मैं देखता हूँ। हमें बचा लीजिए भाई साहब, हम भाई जान खतरे में हैं भाई साहब। घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से। अरे तो सीआईडी से? सीआईडी वाले? सीआईडी? भाई साहब ये लोग मार डालेंगे हमें, हम भाई जान खतरे में हैं भाई साहब। ये लोग हमें मार डालेंगे भाई साहब। इस आदमी को कहो अंदर रहने के लिए, इस तरह लटकना खतरा हो सकता है सर। पहले अंदर जाओ, अंदर जाओ। ये हमारी मदद जरूर करेंगे। ड्राइवर के साथ ले लो गाड़ी बराबर। ड्राइवर गाड़ी रोको। अबे चल गाड़ी रोको। अबे रुक गाड़ी रोको। हेलो एसीपी प्रद्युमन। एसीपी साहब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सारे आदमी मेरे निशाने पर हैं, मेरे एक इशारे पे ये दुनिया से उठ जाएंगे। चुपके वार करता है, हिम्मत है तो सामने आ जा। वक्त आने पे मैं सामने भी आ जाऊंगा, फिलहाल मेरी आवाज से ही काम चला लो। मेरी बात ध्यान से सुनो, उस बस में बॉम्ब है, एक झटके में उड़ा दूंगा सबको। नहीं सर, बॉम्ब हम कुछ नहीं है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। एसीपी अपने इस ऑफिसर से बोलो कि इसे मजाक न समझे, यकीन न हो तो खुद देख लो। हेलो हेलो हेलो, खुद कट कर दिया उसने। सर बस के नीचे कैसे देखें? कोई ना कोई तो रास्ता हमें ढूंढना ही पड़ेगा। दया एक रास्ता है सर। क्या? सर हमारे पास जो बॉम्ब डिटेक्टर है उसे हम देख सकते हैं कि बस के नीचे बॉम्ब लगा हुआ है या नहीं। विवेक तुम कर सकते हो ना? यस सर, मैं कर सकता हूँ। ये कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी करेगा, मुझे तो इसके ऊपर भरोसा नहीं। सर मैं कर लूंगा सर। नहीं विवेक, तुम ऐसे मौके पर अपनी जान को खतरे में डालते हो, साथ साथ 15 पैसेंजर है उस बस में, उनकी भी जान को खतरे में डाल सकते हो। तो नहीं कुछ नहीं करोगे तुम? दया कुछ और सोचो। सर प्लीज सर मेरा यकीन कीजिए, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा सर। करोगे? यस सर। लेकिन ध्यान से। यस सर। ये सीआईडी वाले कुछ करते क्यों नहीं, बस जी भगा जा रहे हैं। लग रहा है ये लोग हमें मरने के लिए यही छोड़ देंगे। नहीं नहीं, ये सीआईडी वाले हैं, ये कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन इनको थोड़ा टाइम लगेगा ना। एक संभाल के अंदर वाकई में बॉम्ब है सर। बॉम्ब है? हेलो, हाँ बोलो। अब तो यकीन आ गया ना एसीपी साहब, अगर इन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो वापस लौट जाओ, नहीं तो इनकी मौत के जिम्मेदार तुम होंगे। देख इस वक्त बाजी तेरे हाथ में है, जिस दिन बाजी हमारे हाथ में आएगी ना, देखते रहना ऐसा हाल करूंगा कि मरना पसंद करोगे तुम, समझे? लगता है ये बस वाला भी अपराधियों से मिला हुआ है, इसलिए बस रोक नहीं रहा है। जब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पैसेंजर्स की जान खतरे में। मुझे मालूम है ये लोग हमारी मदद नहीं कर सकेंगे, हम सब लोग ऐसे ही मर जाएंगे। अच्छा होता है अगर मैं इस लालच में नहीं आता। मेरे घर वालों ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने ही बात नहीं मानी। काश मैंने उनकी बात मान ली होती। समझ नहीं आता ये आदमी है कहाँ पे, किसे पता कैसे चलता है। सर शायद वो बस में ही बैठा होगा। अगर बस में होता तो पता चल जाता। हाँ सर ये बात तो है। एक एक काम करो, मोबाइल कंपनी पे फोन करो, पता लगाओ जिस नंबर से हमें फोन कर रहा है वो फोन कहाँ पर है, ये मैंने फोन कर लेना। सर शायद उसे हमारी गाड़ी की पहचान हो गई है, हमें जल्द से जल्द सर गाड़ी बदल देनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें बस का पीछा रुकना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में पैसेंजर्स को बचाना है। ठीक है सर, हम किसी की गाड़ी रोकते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं सर। देख कर रोक लेते विवेक, देखना जरा कोई गाड़ी आ रही है क्या।
आ रही है। ये सीआईडी की जो पीछे क्यों जा रही है? देखा, मैंने कहा था ना, ये लोग तुझ करने वाले नहीं है। बॉस, हम लोग सीआईडी से हैं। एक इमरजेंसी है, हमें तुम्हारी गाड़ी की जरूरत है। अभी अभी जो गाड़ी गई है यहाँ से, उसका पीछा करना है। कुछ लोगों की जान खतरे में है, प्लीज जल्दी। तुम एक बैठो अंदर। मोबाइल कंपनी वालों का कहना है कि ये स्पेशल नंबर है सर, पता लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा सर। उनको कहो ये स्पेशल नंबर की ऐसी की तैसी, किसी भी हालत में हमें अभी के अभी नंबर चाहिए, पता लगाना चाहिए। पैसेंजर की जान खतरे में, अगर किसी पैसेंजर को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी उनकी रहेगी। कहो उनसे। यस सर। 15 दिन के बाद का टिकट चाहिए तो बोलिएगा सर। बुकिंग नहीं करवानी हमें, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? वो बस तुम्हारी है ना, जिस पे हैप्पी ट्रेवल्स लिखा है। लेकिन सर हमारी सभी बसेस पे हैप्पी ट्रेवल्स लिखा है। गुलाबी कलर की बस। आप उसकी बात कर रहे हैं? वो तो जैस चलाता है सर। तुम्हारा ये ड्राइवर क्या अंधा है? कैसे गाड़ी चलाता है? 2 लोगों को टक्कर मारी है उसने, जिसमें से एक की मौत हो गई है और एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। मौत हो गई? हाँ, एक की मौत। फोन लगाओ जैस को। सर वो लगाओ, मैंने बोला फोन। उनकी घंटी सुनाई दे रही है ना? अरे बज रहा है, ढूंढो सही, शायद कुछ फायदा हो। मैं सबसे पहले अपने घर पे फोन करूंगी। अरे तुम्हें घर पे फोन करने की लगी है? हम लोग सोच रहे हैं कि फोन मिले तो हम किसी से मदद मांगे। सीआईडी तो हम लोगों को छोड़ कर चली गई। अरे ये फालतू बात छोड़ो, मेरा फोन ढूंढो। अरे सुनो, घंटी बज रही है लेकिन उठा नहीं रहे। क्या हुआ? लाश है। कौन सुन लेगा? ड्राइवर है। फोन की घंटी बज रही है, अब उठाओ ना फोन। उठा रहा हूँ। हेलो जयेश। मैं प्रीतम बोल रहा हूँ, बस के पैसेंजर्स में से एक। कैसे? देखो एक काम करो, जयेश को फोन दो जल्दी से। जयेश? यहाँ तो जयेश कोई नहीं है। क्या कोई जयेश नहीं है? देखो लाश है, हो सकता है उसका नाम जयेश हो। क्या लाश? ये किसकी लाश है? पता नहीं किसकी लाश है, जहाँ पे सामान रखते हैं ना सर, वहां पे ये लाश पड़ी है। उसने कपड़े कैसे पहने? ड्राइवर के कपड़े पहने हैं सर। सर उसके कपड़ों पर एक नेम प्लेट भी है सर। हाँ, जल्दी बताओ क्या नाम है उसका? सर जयेश लिखा है। मतलब किसने ड्राइवर का खून कर दिया? सर तो बस कौन चला रहा है? सर उनमें से कोई आदमी चला रहा होगा, जिन लोगों ने बस के पैसेंजर्स को पद्दी बना के रखा है। आप कौन बोल रहे हैं सर? देखिए मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ, आप लोग घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी गाड़ी हमारे साथ ही चल रही थी, पता नहीं अचानक कहाँ गया वो भी सर, वो पीछे रह गई सर, हमें बचा लीजिए। देखिए मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत प्लीज। अच्छा ये बताइए कि आप लोग अंदर बस के पहुँचे कैसे? हम सभी लोग अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। हम सभी लोगों को एक सेम मैसेज आया था, उसमें लिखा था कि आप पहली कॉन्टेस्ट जीत गए, उसके बदले में आपको एक फ्री टूर मिलेगा और बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मतलब आप लोग लालच में फंस गए। सर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है सर। हम लोगों को धोखे से होटल बुलवाया गया और वहाँ ठहरने के लिए कमरे दिए गए, वहाँ पे हमारे फोन रखवा लिए गए सर। कोई कुछ करो तो। ये तुम्हें चुका, हम कोई नहीं बचेंगे, मैंने पहले ही कहा था हम पारी पारी से सब मारे जाएंगे। और देखिए आप लोग भी प्लीज शांत हो जाइए, सीआईडी वाले हमें कुछ ना कुछ करके जरूर बचा लेंगे। हेलो। पैरों से कान नहीं खुजाते ऑफिसर, जितना है उतना ही रहे।
औकात में रहकर बात करेगा तो अच्छा होगा तेरे लिए। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। सीआईडी वालों को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। फोन कर अपने एसीपी को और बात करा उससे। ए, कौन है तू? हमारी हर हरकत पे नजर है उसकी। अब हमें जो भी करना है प्लानिंग के साथ करना है। अच्छा ये बताओ कि ये बस किराए पे लेके कौन गया था? जयेश का ही कोई जान पहचान वाला था और सारी बात जयेश ने ही की थी उससे, इसलिए उसे मार दिया ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चले। काजल उसका पता तो चल ही जाएगा। एक काम करते हैं, होटल ब्लू लाइट चलते हैं जहाँ पे वो लोग ठहरे हुए थे। हमारे यहाँ जितने भी लोग ठहरे हुए हैं उन सबकी एक लिस्ट चाहिए मुझे। ओके भाई साहब, आप लोगों के यहाँ मैनेजर कौन है? जी बोलिए, मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ सीआईडी से। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों के यहाँ 15 लोगों का कोई ग्रुप ठहरा हुआ है जो आज सुबह सुबह हैप्पी ट्रेवल्स की बस से बाहर घूमने निकला है? हाँ सर, यहाँ ठहरे हुए थे वो लोग। आज सुबह ही वो लोग गुलाबी रंग की बस से घूमने गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे। अगर ऊपर वाले की मेहरबानी हुई तो। क्या मतलब सर? उन सबको अगवा कर लिया गया है। अगवा? उनकी जान खतरे में है, उनके लिए कमरे किसने बुक किए थे? सर एक रूपेश नाम के आदमी ने उन सबके लिए कमरा बुक करवाया है। क्या वो खुद यहाँ आया था? जी मैडम। अच्छा ये सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है क्या? यस सर। अगर काम कर रहा है तो फिर रिकॉर्डिंग भी हुई होगी इसमें? हाँ सर, ये 24 घंटे काम करता है और इसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है, कौन आया कौन गया सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होता है। एक काम करो, इसका फुटेज हमें चाहिए। स्वीटी सीसीटीवी रूम में जाकर आज सुबह की सारी फुटेज लेकर आओ। चलो आप जरा उन 15 लोगों का सामान मंगवाइए उनके कमरों में से, और उनके नाम और पते हमें चाहिए जो उन्होंने लिखवाए यहाँ पे। समीर हमारे यहाँ जो 15 लोगों का ग्रुप ठहरा हुआ है उनका सारा सामान नीचे मंगवाओ। कपड़े और मोबाइल्स के अलावा इन सब में और कुछ भी नहीं है। काजल एक काम करो, इन सब के घर वालों को फोन करके पता करो कि कोई धमकी भरा फोन आया है या फिर कोई पैसे की डिमांड की है उन लोगों ने। सर मैंने सीसीटीवी फुटेज से रुपेश का फोटो ले लिया। फिर एक काम करते हैं, इस रुपेश की फोटोग्राफ को अपने रिकॉर्ड से मिला के देखते हैं, पता करते हैं कि यह आदमी कोई पुराना अपराधी है या। अच्छा ये ग्रुप तो 15 लोगों का है तो यहाँ बैग सिर्फ 14 लोगों के क्यों? एक मिसिंग है। सर इनमें से एक आदमी बैग वगैरह नहीं लाया था, वो बिना बैग के आया था। कौन है वो? रवि नाम है उस आदमी का। सिक्योरिटी रीजन के चलते हमने उन सब के आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स पहले ही लेकर रख लिए थे। ये कैसा आदमी है बिना सामान के आ गया घूमने? मुझे लगता है फ्रेडी ये उन अपराधियों का ही साथी होगा। हो सकता है, ये रवि फोन करके बताता होगा रुपेश को कि बस में क्या क्या हो रहा है। अच्छा आपके पास रवि की फोटोग्राफ्स तो होगी ना? जी सर। प्लीज लेके आइए। ओके सर, इनके घर वालों से बात कर ली है, किसी को भी कोई भी धमकी वाला फोन नहीं आया। क्या कोई फोन नहीं आया? कमाल है, कोई फोन नहीं आया। 5 घंटे बीत चुके हैं, ना ही कोई धमकी भरा फोन आया, ना ही कोई पैसे की मांग की। आखिर ये लोग चाहते क्या है? देखिए रोने से कोई फायदा नहीं, अगर हम लोग किस्मत में घर वापस जाना लिखा है तो हम लोग जरूर जाएंगे। ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है, इसलिए भगवान पे भरोसा रखो। घर जाने के लिए जिंदा बचोगे तब ना, घर जाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये मत बोलो को तुम इस पर कुछ सफा कर रहे हो। पानी है किसी के पास? मुझे प्यास लगी और मेरा पानी खत्म हो गया है। प्यास तो मुझे भी लग रही है। दो प्यास मुझे लगी थी और पानी खुद पीने लग गए। अरे क्या हुआ इसको? ये तो पानी पीते पीते ही मर गया। जहर है इस पानी में, इसीलिए तो ये पीते ही मर गया। मेरे को तो तुझ पे पहले ही शक था, तूने हमारे साथियों की जान ली होगी। अब तू नहीं बचेगा, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कुछ नहीं किया। तुम भी मिले हो इस अपराधी के साथ। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं भी तुम लोगों के साथ फंसा हुआ हूँ। तुम झूठ बोल रहे हैं, वरना तुम्हारा पानी पीते ही ये कैसे मर गया? अरे मैं कैसे बता सकता हूँ, इसने मुझसे पानी मांगा मैंने दे दिया और फिर मैंने जबरदस्ती तो पिलाया नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा ड्राइवर के साथ गुजर गुजर करते हुए। बस अब तेरा खेल खत्म हो गया। जल्दी बोल कौन हो तुम और किन लोगों के साथ मिले हुए? ऐसा नहीं कर सकता। अरे बता कौन है तू और क्यों हमारे साथियों की जान लेना चाहता है? मैंने कुछ नहीं किया है। आप नहीं बचेगा। अरे क्या बात कर रहे हो,
कोई तो होगा, कोई नहीं, रूपेश नाम का कोई भी अपराधी पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक्स। ये लो, इन लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए, कह रहे कि रूपेश नाम का कोई भी अपराधी पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है। थोड़ी ये भी हो सकता है कि इस आदमी ने अपना नाम बदली किया, क्योंकि जिस तरह की प्लानिंग इसने की है, 14 लोगों की जान इसके हाथ में, ये कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं लगता, काफी पुराना अपराधी है ये। हाँ सर, क्या बोल रहे, रूपेश ने आप लोगों को भी फोन किया था, एड्रेस मिल गया, चलो ये अच्छा हुआ, हम आप ही जाते हैं वहाँ पे, हाउस नंबर 27 शांति नगर पुराली वेस्ट। ओके सर, ओके, अभी जाते हैं वहाँ पे। रूपेश ने उन लोगों को भी फोन करके धमकी दी है। उन लोगों को भी फोन करके धमकी दी उसने? सही समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ पता चल जाता है। काजल, कोई ना कोई है जो हम पे नजर रखे हुए और ये सारी बातें उसे बता रहा है। अच्छा फ्रेडी, ये दया सर ने उसका एड्रेस दिया ना घर का? दिया। चलो वहीं चलते हैं पहले। चलो मार जाओ, मार जाओ, मार दूंगा मैं, सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। सब 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 सच्चाई आ गई ना सामने। मुंह बंद कर, चुप 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 चुप, मार जाओ, मार जाओ। कोई होशियारी नहीं चलेगी, कोई होशियारी नहीं चलेगी। इस आदमी को तो आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे ना, 14 लोगों की जान इस आदमी की मुट्ठी में है। यही बताने के लिए यहाँ आए हैं आप? कुछ तो सोचकर बोलिए, ये मेरा बेटा रूपेश है। आपका बेटा है इसका मतलब ये नहीं कि वो एक शरीफ आदमी है, वो एक बहुत बड़ा अपराधी है, समझिए आप। मेरा बेटा कोई अपराध नहीं कर सकता, झूठ है ये। देखिए, आप लोग मेरे भाई के बारे में इस तरह नहीं बोल सकते। यही सच्चाई है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। है कहाँ मेरा बेटा, मुझे बात करने दो उससे। है कहाँ? ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपका बेटा है कहाँ। देखिए, आपने कहाँ छुपा के रखा है, बेटे को निकालिए उससे बाहर। हम लोग तो खुद कल शाम से परेशान हैं और आप लोग पूछ रहे हैं कहाँ छुपा कर रखा है उसे। परेशान है? क्यों परेशान है? कल शाम से रूपेश और उसके डैडी घर नहीं लौटे हैं। तो कहाँ गए वो लोग? पता नहीं, डैडी का तो फोन भी नहीं लग रहा है। रूपेश का फोन? उसका फोन तो काम कर रहा है ना, आपने उससे बात करने की कोशिश नहीं की? हाँ की, पर उसने कुछ नहीं बताया। हमें तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं वो लोग। कहाँ पे है वो, कुछ तो बताया होगा उसने? नहीं, बस आवाज से वो घबराया हुआ लग रहा था। जो इंसान इतने लोगों की जान लेने के लिए तैयार हो, वो घबराया हुआ तो हो ही नहीं सकता। कहानियां बनाना बंद करो। देखिए, लगाइए फोन रूपेश को, हम भी तो देखें कितना घबराया है वो। लगाओ फोन। जी हेलो, हेलो भैया, कहाँ हैं आप? जल्दी घर आ जाइए, सीआईडी वाले आए हैं आपको पूछने। तो सीआईडी मेरे घर तक भी पहुंच गई, ठीक है, फोन दो जरा उन्हें। जी ऑफिसर, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने मेरे घर आकर, तुम्हें मेरे घर नहीं जाना चाहिए था, बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोगों को, सभी लोग मारे जाओगे, बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द मेरे घर से निकल जाओ, समझे तुम? सुन लिया आपने, आपका बेटा निर्दोष। ये वो 14 लोग हैं जिन्हें बस में पकड़ रखा है आपके बेटे ने, वो इन्हें मारना चाहता है। पहचानते हैं इनमें से किसी को? किसी को नहीं पहचानते। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये रूपेश चाहता क्या है, इसकी कोई मांग भी नहीं। हेलो, हाँ सचिन बोल रहा हूं। हाँ अच्छा, कहां पे है? ओके थैंक्स। ये रूपेश का मोबाइल फोन कहाँ पे है इसका पता चल गया है। मैं काम करता हूँ, दया सर को फोन लगा के इन्फॉर्म कर देता हूँ। मार दूंगा मैं, नीचे बैठ, नीचे बैठ, बोलो ना, कोई होशियारी नहीं चलेगी, कोई होशियारी नहीं करने का। नया नंबर है,
दूसरे नंबर से? सर हो सकता है वही आदमी नंबर बदल के फोन कर रहा हूँ, शायद उसे पता चल गया होगा कि हमने ये गाड़ी बदल दी। देखते हैं कौन है। हेलो एसीबी प्रद्युमन। एसीबी साहब मैं अगवा हुई बस में से सुकेश बोल रहा हूँ। सर किसी रवि नाम के बंदे ने हम सबको सर गन पॉइंट पर रखा हुआ। सर हमारी जान खतरे में सर। एक एक मिनट, एक मिनट, ये बताओ ये रवि बैठा कहाँ पर है बस में? आगे बैठा है या पीछे? सर वो बोला कोई होशियारी नहीं चलेगी। हेलो चश्मा, चश्मा गिर गया था मेरा। चश्मा कहता है जो तू है। हेलो कुछ भी करने से पहले सोचो, सोचो मार दूं क्या बंदे रखो। अरे अरे हेलो हेलो क्या हुआ सर? उसमें एक पैसेंजर है, कह रहा है रवि नाम के पैसेंजर के पास एक गन है और वो सबको मारना चाहता है। रवि है वो आदमी जो बार बार फोन करके रुपेश को हमारे बारे में बता रहा है। मैं दोबारा फोन करके देखता हूँ। फोन बंद किया है रवि ने, छीन लिया होगा सर उसे। ये रुपेश अकेला नहीं होगा, इसके साथ कोई और भी होगा। गन भी हो सकती है उसके पास। हाँ भाई संभाल, क्या लगता है ये मेन एंट्रेंस है। एक काम करो तुम दोनों वहां देखो पीछे से और कोई रास्ता है क्या। जितने भी खिड़की दरवाजे सब बंद है और अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई गार्ड नहीं है पीछे। लगता है यहीं से घुसना पड़ेगा। पास मत आना, पास मत आना, नहीं तो सब मारे जाओगे। मैं कहता हूँ वहीं रुके रहो, नहीं तो ये बॉम्ब बढ़ जाएगा। ये सब क्या है? रुपेश ये बॉम्ब का नाटक छोड़ो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ये बॉम्ब निकालना मेरे हाथ में नहीं है, मैंने ये सब नहीं किया है। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? मैं नहीं जानता, मुझे जो जो करने को कहा जा रहा है मैं वो करता जा रहा हूँ। कौन बोल रहा है ये सब करने को? कौन है आदमी? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना मालूम है कि मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए उसका हर हुक्म मानना है, नहीं तो वो मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। इसकी बातों से लग रहा है कि ये सच बोल रहा है, ये खुद फंस गया। लग तो मुझे भी ऐसे रहा है। काजल बॉम्ब स्क्वाड को फोन करो जल्दी से। किसी को मत बुलाना, किसी को मत बुलाना, आप जानते नहीं हो वो बहुत खतरनाक है। तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये जो कोई भी है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी बात का यकीन करो। अगर उसे थोड़ा सा भी पता चल गया तो मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा और आपको भी नहीं छोड़ेगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम लोग हैं। मेरे डैडी अंदर बंद है दूसरे कमरे में, चारों तरफ लेजर बीम लगी हुई है, अगर आपने कोई भी लेजर बीम क्रॉस की तो ये बम फट जाएगा। देखो कुछ नहीं होगा, तुम मत डरो, हमने बॉम्ब स्क्वाड को फोन करके वो कभी भी आएंगे बाहर, ये बम फट जाएगा। हमारे ऊपर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। पापा नहीं 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 ओके। इसे बचा नहीं सके हम लोग। फ्रेडी, फ्रेडी क्या बोल रहा था रुपेश?
किसके डैडी बाजू वाले कमरे में बंद है? हाँ चलो चल के देखते हैं। आ जाओ संभाल के। ये भी इनकी मौत तो काफी वक्त पहले हो चुकी है, बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है। उस बेचारे रुपेश को तो पता ही नहीं था, उसके पिताजी को पहले ही मार दिया गया था। हाँ लेकिन जिस चाकू या हथियार से मारा गया वो भी कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये रुपेश एक पल के लिए भी यहां से हिला नहीं और ना ही वहां कहीं कोई कैमरा लगा हुआ था, तो रुपेश को कैसे पता चल रहा था कि ये बस के अंदर हो क्या रहा है? उसके पास तो मोबाइल था ही, शायद कोई उसे फोन करके बता रहा हो। हाँ काजल ये हो सकता है। एक काम करो, रूपेश के वहां पे आसपास देखो कोई मोबाइल मिलता है क्या, उसी से कुछ पता चलेगा। ये अगर उसे कोई मोबाइल करके बता रहा था तो जरूर कोई बस के अंदर होगा, क्योंकि चलती बस में किसी को कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। मतलब खुली बस के अंदर ये उन पैसेंजर्स में से? हाँ फ्रेडीप ये हो सकता है, उन्हीं बस के अंदर ही होगा। सा ये रहा रुपेश का मोबाइल। इसका मतलब कोई रुपेश को एसएमएस कर रहा था। हाँ ये देखो काजल एक काम करो, एम्बुलेंस को जल्दी से बुला और इन दोनों लाशों को फॉरेंसिक भिजवा दो। हाँ मैं एसीपी साहब को फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। सिर के ऊपर जा सकता, अब बस में घुसना ही पड़ेगा। सर मैं बस के अंदर घुसता हूँ। नहीं भाई तुम नहीं जाओगे, अभिजीत जाएगा, अभिजीत को बुलाया मैंने। सर सामने जो ट्रक है उसमें चढ़ जाता हूँ। नहीं भैया बिल्कुल नहीं सर। हाँ सर मैं चढ़ जाता हूँ। नहीं अभिजीत तुम भी नहीं जाओगे, बहुत खतरा है उसमें। सर आप बिल्कुल परवाह मत कीजिए, वैसे भी इतने सारे लोगों की जान बचाने के लिए अगर मेरी जान चली जाए तो कोई परवाह नहीं है सर। तुम्हें परवाह नहीं है लेकिन मुझे परवाह है तुम्हारी जान की। सर मैं बिल्कुल दया गाड़ी को ट्रक के बिल्कुल बगल में ले लेना। अभी बस के अंदर रवि नाम का एक आदमी है जिसने लोगों को गन पॉइंट पे लिया हुआ है, सबसे पहले उसे कब्जे में लेना है हमें। ओके संभाल के अभिजीत, बिल्कुल संभाल के।
ऐसे बेबी जाट नहीं तो इसको ठोकेगा। देख बहुत भारी पड़ेगा। आप रवि ने अभिजीत को बंधक बना के रखा। सर ये मच्छर क्या बंधक बनाएगा अभिजीत को, वो तो खुद फंसा हुआ है। हाँ, बॉम्ब तो नकली है। सर अब तो आसानी से बस को काबू में कर सकते हैं। अरे जिसने भी इस बस को अगवा किया है ना, वो बस के अंदर ही बैठा हुआ है, बस के अंदर। उसने तो रुपेश को भी मोहरा बना के रखा था। सचिन तो कह रहा था कि उसको SMS भेज रहा था वो अंदर से, बस के अंदर से। मगर सर वो आदमी है कौन ये हमें पता कैसे चले? रुपेश भी तो कह रहा है कि उसे कुछ मालूम नहीं है। सर इस बस का ड्राइवर ही हमें सब कुछ बता सकता है उस आदमी के बारे में। सबसे पहले इस ड्राइवर को अपने हाथ में लेते हैं। हाँ लेकिन कैसे दया? एक तरीका है सर। क्या? विवेक गाड़ी चला लोगे ना? यस सर। ठीक है आगे आ जाओ। संभाल के। यस सर। दूसरा भी मरने के लिए आ गया? मरने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया। निकल के देखती हूँ यहाँ से कैसे बचते हो। अभिजीत को चलो सबके सब हाथ ऊपर करके लाइन में खड़े हो जाओ। अभिजीत को छोड़ो नहीं तो मैं कहती हूँ लाइन में खड़े हो जाओ नहीं तो एक एक को भून डालूंगी। अच्छा अच्छा तो आप हैं हैं? देखने में तो बड़ी शरीफ है ये असली रूप। अरे असली रूप तो अब दिखाई देगा जब इन सबकी लाशें बिछेंगी। अरे लेकिन हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हमें बॉम्ब से क्यों उड़ाना चाहती थी? बॉम्ब से नहीं, उन लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ा करवा के। बॉम्ब तो नकली है। हाँ बम नकली है पर ये गन असली है और तुम सबके लिए ये गन ही काफी है। लड़कियों के हाथ में गन अच्छी नहीं लगती। चलो पहले हाथ गाड़ी वाले को मारा, फिर बस के ड्राइवर जयेश को, फिर कुणाल और प्रीतम, और फिर रुपेश और उसके डैडी की जान ली। छह छह लोगों के खून करने के बाद भी दिल नहीं भरा तुम्हारा? हाँ नहीं भरा। मेरा दिल तो तब भरेगा जब वो सारे के सारे पैसेंजर्स भगवान को प्यारे हो जाएंगे। क्यों, क्या बिगाड़ा इन लोगों ने तुम्हारा? मेरे डैडी के हत्यारे थे ये लोग। आज तक मुझे और मेरे भाई को ये नहीं पता कि डैडी का प्यार क्या होता है। इसीलिए मैंने और मेरे भाई ने बस को उड़ाने का प्लान किया। वो तुम्हारा भाई था जो जयेश की जगह पे बस चला रहा था? हाँ वो मेरा भाई था। तो वो भी शामिल था तुम्हारे साथ इस गुनाह में? हाँ। तो बताओ ये लोग तुम्हारी डैडी की मौत के जिम्मेदार कैसे बने? इन लोगों के सामने ही मेरे डैडी का कत्ल हुआ था। अगर ये लोग चाहते तो गवाही दे सकते थे मगर नहीं, इनमें से किसी ने गवाही नहीं दी और खूनी छूट गया। कौन है खूनी? रुपेश के डैडी। 5 साल पहले मेरे डैडी बस से मुंबई से पुणे जा रहे थे, उसी बस में ये 14 लोग भी थे। मेरे डैडी बिजनेसमैन थे, रुपेश के डैडी उनसे जलते थे, उसी जलन के कारण उन्होंने मेरे डैडी का खून कर दिया। इसीलिए तुमने रुपेश को मोहरा बना के ये सारा ड्रामा रचा और सबको मारने का प्लान बनाया। हाँ माना कि इन लोगों की आंखों के सामने तुम्हारे डैडी का खून हो गया लेकिन ये लोग चुप बैठे, गवाही नहीं थी।
हाँ इन लोगों ने गुनाह किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून को अपने हाथों में लेकर छह छह लोगों का खून करो तुम। तुम्हें और तुम्हारे भाई को मौत की सजा होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।